हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जहां एक ही जगह पर दुनिया के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। खास बात तो ये है कि यहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, सफर बहुत सुकून भरा होता है। और उससे भी खास बात ये है, अगर आप चाहें तो इस देश की खूबसूरती को देख कर यहीं बस सकते हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार आपको लाखों रुपए देगी अपने देश में रहने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। इसी के साथ दोस्तों, पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए ये बेहतरीन जगह है। हाथों में हाथ डाले आप इसकी खूबसूरती के मजे ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बेहद ही सुकून भरे देश की सैर पर, जिसका नाम है आयरलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। आई नो दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो इस समय ये देश बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि इस समय इंडिया का मैच आयरलैंड से चल रहा है। वैसे दोस्तों, आजकल क्रिकेट जगत में भी आयरलैंड अपना नाम कर रहा है। इतना ही नहीं, खूबसूरती के मामले में तो इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ये द्वीप देश दुनिया का 20वां सबसे बड़ा द्वीप देश है। उत्तर आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा शासित है, जबकि शेष आयरलैंड एक आजाद राष्ट्र है। दोस्तों, 1998 में उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत आयरलैंड ने उत्तरी द्वीप का नियंत्रण यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया था। आयरलैंड दुनिया के उन एकमात्र देशों में से एक है जिनके नागरिक अपने देश में कम बल्कि दुनिया के अन्य देशों में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए तो यहाँ की गवर्नमेंट अन्य देशों के लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करती है और पैसे भी देती है। आजादी से पहले आयरलैंड भी भारत की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। दोस्तों, 6 दिसंबर 1921 को आयरलैंड का विभाजन हुआ और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक आजाद देश बन गया। आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक और संगीत वाघ यंत्र है, यानी कि हाव वीणा। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती इस देश के चारों ओर फैली हरियाली के कारण ही है। दोस्तों, आयरलैंड में चारों ओर फैली हरियाली इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के खूबसूरत बीचेस देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आयरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आयरिश, लेकिन आयरलैंड में 10% से भी कम लोग आयरिश भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी और पोलिश भाषा का यहाँ चलन ज्यादा है। यहाँ पर 90% आयरिश लोग कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, वैसे आयरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत और मनमोहक जगहों में से एक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से आयरलैंड ब्रिटिश द्वीप दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो है ही, साथ ही ये आयरलैंड को दो भागों में विभाजित करता है, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी द्वीप। हालांकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, अपने हरे भरे सौंदर्य और बेहद ही आश्चर्य कर देने वाली खूबसूरती के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा इसके मनमोहक बेदाग प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति, इस देश का इतिहास, खेल और विज्ञान सब कुछ शानदार है। और हाँ, शानदार भोजन को तो हम भूल ही नहीं सकते। बेहतरीन ड्रिंक्स भी आयरलैंड की बहुत मशहूर हैं, जिसमें से एक है कि यहाँ विश्व का सबसे लंबा तटीय मार्ग भी है, यानी कोस्टल एरिया। दोस्तों, इस देश में अनगिनत महल हैं, बिल्कुल अनगिनत। लेकिन अनुमान के हिसाब से अगर हम कहें तो आयरलैंड में लगभग 30,000 पैलेस हैं। इसी के साथ दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स का आयरलैंड में बेहद ही खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। एक अद्भुत प्राकृतिक घटना, नॉर्दर्न लाइट्स को आयरलैंड में देखा जा सकता है। सौर हवाएं और आयरलैंड की उत्तरी स्थिति, दोस्तों ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा लकी होते हैं वो अक्टूबर से फरवरी तक में भी इसे देख लेते हैं। कुछ बेहतरीन जगह जहां आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट देखी जा सकती है वो है काउंटी डोनेगल में मालिन हेड्स और इनिशोविन पेनिनसुला। इसी के साथ दोस्तों, यहां हर साल हजारों लोग इस देश को एक्सप्लोर करने आते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं आयरलैंड को जो कि अद्वितीय बनाती हैं, अनक्रेडिबल। द्वीप के बारे में तो आप जान ही गए, इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। कहा जाता है कि सांपों ने सेंट पैट्रिक पर हमला किया था,
इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से द्वीप से इन्हें भगा दिया और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। आइलैंड के चिड़ियाघरों में भी आपको सांप कभी कभार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जंगल में कोई भी देसी सांप आपको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ये खबर बहुत ज्यादा बेहतरीन है जो कि पैदल यात्रा करते हैं या ट्रैकिंग करने का शौक रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जब भी आप कहीं जाने का प्लान करते हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, तो आप तीन चीजें जरूर ढूंढते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज होती है सुकून, दूसरा होता है खूबसूरती और तीसरा होता है वहाँ बेहतरीन खाने का इंतजाम। जहाँ आपको ये तीनों चीजें मिलती हैं वहाँ जाना तो बनता है, और ये तीनों ही चीजें आपको मिलेंगी आयरलैंड में। इसी के साथ दोस्तों, क्लिफ्स ऑफ मोहर आयरलैंड के कैग्री वेस्ट कोस्ट लाइन का सबसे प्रसिद्ध और लुभावना हिस्सा है ये। मोहर क्षेत्र की चट्टानें और बेहतरीन खूबसूरती आपको यहीं रोकेगी। इस जगह पर पूरे द्वीप के कुछ सबसे लुभावने दृश्य देखने को मिल जाते हैं। क्लिफ लगभग 5 मील तक फैला है और अटलांटिक महासागर से 702 फीट ऊंचा है। चट्टानों से यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसका एक्सपीरियंस आप यहाँ जाके जरूर करिएगा। दोस्तों, ये है द बरेन। आइलैंड में प्रकृति के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बरेन में चूना पत्थर से बनी पहाड़ियां और चट्टाने हैं। यहाँ की खूबसूरती तो लाजवाब है। कुछ समय के लिए आप पूरी दुनिया को भूलकर यहाँ बैठिएगा। यकीन मानिएगा, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही खास होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, अरेन आइलैंड। गैलवे की यात्रा अरेन द्वीपों की यात्रा के बिना अधूरी है। यहाँ कई छोटे द्वीप हैं जिसमें इनिजमोर, इनिशमैन और इनिशियर शामिल है। यहाँ जरूर जाइएगा, यहाँ आपको इस देश की संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और बाहें फैलाए आपका इंतजार करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप रिंग ऑफ कैरी घूम सकते हैं आयरलैंड में, जो कि बेहतरीन खूबसूरत जगह है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए रिंग ऑफ कैरी आयरलैंड की पहचान है। ये प्राचीन स्मारक, रोमांटिक महल, शानदार उद्यान और रंगीन शहर और गांव के रूप में जाना जाता है। दिल जीत लेने वाले परिदृश्य आपको नजर आएंगे। समुद्र तट, खूबसूरती और पुरातात्विक खजाने को लेकर आप यहीं रुक जाएंगे और मन करेगा कि चलो कोई कविता ही लिख दे। यकीन मानिए, ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस खूबसूरत जगह की सैर करना और इसी के साथ इनकी खूबसूरत वादियों में टहलना, घूमना, फिरना और क्वालिटी टाइम बिताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसी के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी के साथ इसकी खूबसूरती को भी बयां कीजिएगा। आगे आप और कौन कौन से देश की सैर पर जाना चाहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंतजार होगा। ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।